बेंगलुरु में हुए भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 सुपर ओवर के ड्रामा में एक सवाल बुरी तरह से लटक गया। विवाद की पूरी कहानी भारत के कप्तान रोहित के इर्द गिर्द घूमती रही, जो पहली बार रिटायर्ड होने के बाद दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने आ गए। आखिर इसके लिए क्रिकेट के नियम क्या कहते हैं, आइए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। पहला, T20 इंटरनेशनल के लिए ICC की प्लेइंग कंडीशंस के अनुसार किसी भी पिछले सुपर ओवर में आउट हुआ बल्लेबाज दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए अयोग्य होगा। दूसरा, मैच अधिकारियों ने रोहित को लेकर स्पष्ट नहीं किया कि रोहित रिटायर्ड आउट हुए या रिटायर्ड हर्ट या रिटायर्ड नॉट आउट। तीसरा, अगर रोहित रिटायर्ड नॉट आउट थे तो ICC प्लेइंग कंडीशंस 25.4.2 के तहत जो नियम है वो इस प्रकार है। अगर कोई बल्लेबाज बीमारी, इंजरी या किसी अन्य दूसरे कारण से रिटायर हो जाता है तो वो बल्लेबाज अपनी पारी फिर से शुरू करने का हकदार है। अगर किसी भी कारण से ऐसा नहीं होता है तो उस बल्लेबाज को रिटायर्ड नॉट आउट के रूप में स्कोरबोर्ड में दर्ज किया जाएगा। चौथा, अगर कोई बल्लेबाज किसी अन्य कारण से रिटायर्ड होता है तो वो बल्लेबाजी ICC प्लेइंग कंडीशंस 25.4.2 के क्लॉज के तहत बल्लेबाजी कर सकता है, लेकिन इसके लिए विरोधी कप्तान की सहमति लेनी होगी। पांचवा, ऐसे में दूसरे सुपर ओवर में रोहित की दोबारा एंट्री इब्राहिम जादरान की सहमति से होनी चाहिए थी, पर ऐसा संभवतः नहीं हुआ। कुल मिलाकर दूसरे सुपर ओवर में रोहित की दोबारा एंट्री में अफगानी कप्तान इब्राहिम जादरान की सहमति होनी चाहिए थी, पर मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानी टीम के हेड कोच जोनाथन ट्रॉट ने जो कुछ कहा उसके आधार पर यह स्पष्ट है कि अफगानिस्तान टीम को इस बारे में क्लियरिटी नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रॉट ने कहा कि रोहित के दोबारा बल्लेबाजी करने को लेकर उन्हें कोई क्लियरिटी नहीं थी, उन्हें इस बारे में कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया। ट्रॉट से पूछा गया कि क्या मैच अधिकारियों ने इस स्थिति के संबंध में उनसे सलाह ली है, तो उन्होंने कहा, मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्या कभी दो सुपर ओवर हुए हैं, ये एक तरह से नया है, हम नए तरह के नियम बनाते रहते हैं। ट्रॉट ने कहा, हम चाहते थे कि अजमतुल्लाह उमरजई दूसरा ओवर फिर से फेंके, अफगानी टीम की ओर से दूसरा सुपर ओवर फरीद ने किया। ट्रॉट बोले, ICC की प्लेइंग कंडीशंस देखी जाएं तो कोई गेंदबाज जो पहले ही एक सुपर ओवर में गेंदबाजी कर चुका है वो अगले सुपर ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अयोग्य है। यही कारण था कि अजमतुल्लाह को गेंद नहीं दे सके और उसकी जगह फरीद अहमद को मौका दिया गया। आगे से इस तरह की चीजों को लिखित तौर पर लिया जाएगा। हालांकि ट्रॉट ये भी बोले कि उनकी टीम ने अच्छा खेल दिखाया, इस बात पर ज्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए। हिंदी कमेंट्री कर रहे आकाश चोपड़ा रोहित के दोबारा सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने पर आश्चर्यचकित दिखे। पहले सुपर ओवर मैच के दौरान जब पांचवीं बॉल पर रोहित शर्मा रिटायर्ड हुए थे, तब आकाश चोपड़ा ने कमेंट्री के दौरान कहा था कि अगले सुपर ओवर में वो बल्लेबाजी के लिए नहीं आ सकते हैं। इसके बावजूद रोहित बल्लेबाजी करने आए, इस पर आकाश चोपड़ा ने यहां तक कहा कि रोहित शर्मा दोबारा बल्लेबाजी करने आ गए हैं, लग रहा है उनको दोबारा नियम पढ़ने होंगे। चूंकि रोहित जब पहले सुपर ओवर में रिटायर्ड होकर जा रहे थे तो अंग्रेजी कमेंट्री कर रहे विशेषज्ञों ने कहा, चूंकि सुपर ओवर्स में 3 बल्लेबाज नामित होते हैं, ऐसे में रोहित ने खुद को रिटायर घोषित किया है, ये खेल के नियमों के अनुसार है। क्रिकेट के नियमानुसार सुपर ओवर के लिए केवल 3 ही बल्लेबाज नामित होते हैं, अगर 2 बल्लेबाज आउट हो जाएं तो फिर पारी समाप्त मानी जाती है। ऐसा ही कल के मैच में भी हुआ। नियम में आगे कहा गया है कि जब दोनों टीमें एक एक ओवर खेलती हैं और स्कोर बराबर रहता है तो सुपर ओवर तब तक खेले जाने चाहिए जब तक कि एक विजेता की घोषणा ना हो जाए। मल्टीपल सुपर ओवर नियम अस्तित्व में आने के बाद से 15 से अधिक मैच टाई पर समाप्त हो चुके हैं, लेकिन T20 इंटरनेशनल या वनडे में कभी भी डबल सुपर ओवर नहीं हुआ था। इससे पहले सुपर ओवर का नियम तब विवादों के केंद्र में आया था जब 2019 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में सुपर ओवर टाई में समाप्त हुआ और इंग्लैंड बाउंड्री काउंट के आधार पर चैंपियन बन गया था। उसके बाद ही ICC ने उस साल के अंत में सुपर ओवर नियम को बदल दिया। सुपर ओवर नियम के अनुसार प्रत्येक टीम 3 बल्लेबाजों का चयन करती है, अगर उनमें से 2 आउट हो जाते हैं तो उनकी सुपर पारी समाप्त हो जाती है। ओरिजिनल मैच में दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करती है। आपको ये पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।